तो राष्ट्रपति जी के पास जाके अपन अपने जो कोई प्रॉब्लम है आज अपने को हक के राष्ट्रपति जी मिले हैं तो अपने को जाना चाहिए। आप बोलोगे आपके प्रॉब्लम्स होंगे तब कहीं आगे लेके जाएंगे। तो सबसे गर्व की बात है अपने लिए कि हमारी आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, तो हमारे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होने ही चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स है वो तो होने ही चाहिए। तो एट्रेसिटी एक्ट में झूठा मूठा कुछ नहीं, लेकिन सच के लिए जरूर लड़ना चाहिए, उस कानून को अप्लीमेंट करना ही चाहिए ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि तो जब तक अपने ऊपर, हमारे गांव की बात बता रही हूँ, मेरे खेत से लगा हुआ एक रात में रास्ता बना दिए लोगों ने, और अकेली में लेडी क्या कर सकती हूँ ये उनको पता था। मेरे ऊपर भी बहुत सारी आई तब कोई भी बोलने लगे। तो जो कोई समस्या आती है इसको सॉल्व करने के लिए सबको इकट्ठा होके लड़ेंगे तभी समस्याएं सॉल्व होगी। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आज अपन यहाँ से जो लेके जा रहे हैं वो अपने बच्चों को बताना जरूरी है। हम आदिवासी ने कोई गुनाह नहीं किया या फिर हम कुछ अलग है ऐसा भी नहीं है, लेकिन लोग हमको दिखाते हैं, उस कारण अपने ही लोग भूल जाते हैं कि हम आदिवासी हैं। उनको बोलने के लिए भी लगता है कि हम आदिवासी हैं। हाय, जन्म तो अपन जिसमें ले रहे तो अपने हाथ में नहीं है ना, पर अपने हाथ अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। एट्रेसिटी एक्ट और उसमें महिलाओं के लिए तो बहुत ज्यादा बनाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए महिलाओं के लिए, क्योंकि तो थानेदार के पास जब जाते हैं बेचारी गांव की सहमी लड़कियां या सर वो तो आगे तो उनके अत्याचार को बताने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो घर में ऐसा माहौल बनाइए, मैं खास करके लेडीज लोगों को बता रही हूँ कि लड़कियों को तुम लोग उनको शुरू से सब सिखाइए, अपने हक अपने को कैसा रहना चाहिए। और अभी यहाँ तो सब शिक्षित है तो आपको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन लड़कियों को मैं ये कहूंगी कि खुद का संरक्षण खुद करना है और अपने लिए है कानून है, कानून के लिए जब भी लड़ाई होगी तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। और जय जवान जय जवान, सभी आदिवासी एक समान, ये याद रखिए प्लीज। ये मत कहिए, एक बोलते हैं उनका एक नारा मुझे बहुत अच्छा लगा, एक तीर एक कमान सारे आदिवासी एक समान। मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बिजवाल समाज से हूँ। बिजवाल 10 नंबर महाराष्ट्र में है, 11वें नंबर पे यूपी में है। ससुराल मेरी महाराष्ट्र की है, मैं का महाराष्ट्र का है, ससुराल बालाघाट का है, तो उस कारण लैंग्वेज में तो मराठी इतनी मिक्स रहता है। अगर मुझसे कुछ गलतियां हो गई होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं अपने समाज के लिए लड़ने को कभी भी तैयार हूँ। आप कभी भी मुझे आवाज दे सकते हैं। थैंक यू। जय सेवा जय जवान।